तो हम लोग जानेंगे किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर का यदि कीबोर्ड का आपका एक बटन खराब हो गया है तो उसको किस प्रकार से हम लोग सही। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यदि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप का कोई भी कीबोर्ड खराब हो गया है तो उसको कैसे चेंज करें, बोलते कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं और उस पर फिर से अपना काम कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। बस अब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एटो हॉट की। इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ डाउनलोड पर चले आना है, इस पर क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ देखिए डाउनलोड हो गया, यहाँ से डाउनलोड, और इसके बाद ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब ये डाउनलोड जब हो जाएगा फुली तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मेरा ये डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद इसको क्या कर लेना है, इस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, हो सकता है ये स्क्रीन आपको दिखाई दे भी और ना भी दे। यहाँ जैसा कि इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। ये है जो इंस्टॉल हो जाएगा, इसको हम क्लोज कर दिए, ठीक, इसको भी क्लोज कर दिए। और इसके बाद अब क्या करना है, अब इसके बाद इसका एक और सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए क्या करना है, देखिए विंडोज़ के साथ आर प्रेस करके आप कैसे भी नोटपैड ओपन कर लीजिए। अब नोटपैड ओपन करने के बाद इसमें क्या करना, कौन सा बटन आपका ख़राब हो गया है, तो जैसे इंटर बटन अगर बाय द वे आप काम कर रहे हैं तो इंटर बटन हो गया ख़राब। इसके बाद क्या करना है, फिर से विंडोज़ प्लस आर और यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेना है। अब नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ कौन सा ऐसा बटन है जिसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ना के बराबर इस्तेमाल करते हैं, और किस चीज़ में बदलना है। जैसे ए बटन है उसको बहुत कम इस्तेमाल करते, ए दे दिया और दो बार हमको सेमी कॉलन देना होगा। चलिए अब कौन सा बटन आपका ख़राब हो गया, जैसे इंटर बटन ख़राब हो गया तो आप लिख लीजिए इंटर। अब जैसे इंटर लिखने के बाद अब इसके बाद इसको सेव कर देना है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं और डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, जो नाम आपको देना है दे दिए, बट डॉट ए एच के हमको देना है, ठीक है। नाम आपको फोल्डर को जो देना है वो दे दीजिएगा, और उसके बाद डॉट ए एच के, और इसको सेव कर देंगे। अब ये सेव करने के बाद ये जो बन गया, और इसको क्या कर देना है, ओपन कर देना है, बोले तो रन इसको कर देना है, तो इसके बाद ये रन हो जाएगा, यहाँ से इसको रन कर देना है। और जब ये रन हो जाएगा उसके बाद फिर क्या करना है, हमको नोटपैड में आना है। अब नोटपैड पे आने के बाद अब देखिए हम है प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से प्रेस कर रहे हैं एक्स बटन और हो रहा है इंटर, देखिए हो रहा है इंटर, मतलब जो आपका बटन लग रहा है कि हम इसको कम उपयोग करते हैं और जो बटन का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए हैं बट वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से अगर आपका कोई बाय द वे टैब हो गया या कैप्स लॉक हो गया या शिफ्ट हो गया या स्पेस की हो गया आपका काम नहीं कर रहा है तो आप किसी दूसरा की में बदल दीजिए, बदलने के बाद अपना काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।